हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी फर्दर एनर्जीज़ के हवाले से रीडिंग है, आपके लव लाइफ के हवाले से, और अगर कोई जनरल मैसेज इसमें हुआ तो वो भी मैं आपको दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं फर्दर। The messages for Sagittarius. Okay, what are the messages for Sagittarius? First message is the lover. Okay, so lover, आप जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने soulmate connection, अपनी love life को, आप एक मिस कर रहे हैं सोलमेट कनेक्शन। जस्ट आप सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में, ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं इस वक्त। अपनी लव लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, या तो अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और डिवाइन जो है वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है आपके सिचुएशन की, आपके रिलेशनशिप की, और आप एक रिस्क ले रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप में। आप रिस्क पे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप रिस्क पर हैं इस रिलेशनशिप के साथ, जो भी इस वक्त आपका रिलेशनशिप है जिस भी पर्सन से है। हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं या एरीज से डील कर रहे हैं। सो सजिटेरियस, डेफिनेटली आप अपने लिए एक तो समझ के कोई फैसला करना चाहते हैं। लाइक आप रिस्क पे हैं, आपको लगता है कि आपने अगर इस रिलेशनशिप में एंटर किया है, लाइक आप इस रिलेशनशिप में टाइम दे रहे हैं, तो वो एक रिस्क है। तो आप सोच समझ के फैसला करना चाह रहे हैं। आपने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, लाइक अपने आप को सबसे अलग थलग रखा हुआ है, ताकि आप कोई सही डिसीजन ले सके अपने रिलेशनशिप के हवाले से। लाइक जो भी अपने अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जो कि आपको वो स्टेबिलिटी, वो फुलफिलमेंट नहीं दे रहा जो कि एक सोलमेट कनेक्शन में होनी चाहिए, तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप अपने आप को फ्री कर लें इस रिलेशनशिप से, और अपने आप को डिफेंड करें उन चीज़ों से जो कि आपको आपकी लाइफ में एक आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रही। सो देयर इज एम्परर, आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हुए हैं। लाइक आप इस वक्त बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। हो सकता है आप किसी एरिया से डील करें, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रोमिनेंट फिगर हो सकती है, किसी की हेल्प ले सकते हैं आप अपने अपनी लाइफ के लिए। जो डिसीजन आप खुद नहीं ले पा रहे हैं, आप वो डिसीजन किसी और की मदद से ले सकते हैं। या तो आपने आपको किसी से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किसी के गम गुस्से से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक लव रिलेशनशिप ऐसा चाहते हैं जिसमें लव हो, हारमोनी हो, खुशी हो, हारमोनी खुशी, और लाइक जो स्टेबिलिटी होती है, इमोशनल फुलफिलमेंट होती है, वो आप चाहते हैं। तो आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा होता है किसी के ईगो से, किसी के गम गुस्से से। तो ये चीज़ आपको जो है वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही है इस वक्त में, आप जो भी सोच रहे हैं। सो जो भी आपकी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, सो आप एक सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं, वो सोलमेट कनेक्शन आपको मिल नहीं रहा। आपको लगता है आप रिस्क पे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर आप जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में जो पर्सन आ रहा है, वो पर्सन जो है नॉन सीरियस हो सकता है या इगोइस्टिक हो सकता है। सो लेट्स सी कि आपके लिए रोमांस एंजल ओरेकल मैसेज इस वक्त क्या है सजिटेरियस। सो रोमांस एंजल ओरेकल मैसेज फॉर सजिटेरियस फॉर दिस टाइम फ्रेम और इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के हवाले से। ओके, वेडिंग। सो दिस रिलेशनशिप इन्वॉल्व वेडिंग। सो लाइक आप हो सकता है अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। लाइक आप हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के साथ वेडिंग रिलेशनशिप है, मैरिज रिलेशनशिप है, जो जो कि आपसे डिफरेंट है।
आपकी तर्स का नहीं है, जैसा आप चाहते हैं, जैसे आप पर पार्टनर चाहते हैं, जो आपका आइडियल पार्टनर है वैसा वो पर्सन नहीं है, तो आपको लगता है कि आप एक रिस्क पे हैं इस रिलेशनशिप में, और उस पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, गम गुस्से वाली है, तो आपको उस पर्सन से अपने आप को बचा के रखना पड़ता है। तो ये सिचुएशन है, आपको अपने अपने माइंड को ओपन रखना होगा। लाइक आपके आपको यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस है कि अगर आप इस रिलेशनशिप से निकल नहीं सकते, तो आपको उस पर्सन की जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करना है। लाइक उसकी पर्सन की डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें, ताकि आप दोनों एक एक दूसरे के लिए वो चीज़ें कर सकें जो आप लोग एक अपने लिए खुद नहीं कर सकते। सो सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। फॉर फर्दर एनर्जी इफ़ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।